नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज हम उस काल के विषय में चर्चा करेंगे जब सरगरा जाति का पतन प्रारंभ हो चुका था। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सरगरा जाति का सामाजिक पतन किस समय हुआ। ये बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत खोजबीन करने के बाद राजस्थान के इतिहास से हमारी टीम इस जानकारी को लेकर आई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि टीम को और भी ऊर्जा मिलती रहे। ये उस समय की बात है जब हम राजस्थान का इतिहास यदि खंगालें तो हमको मिलेगा कि अंग्रेजों के आने के पश्चात लगभग सन 1822 ईस्वी में राजस्थान के जो राजा थे, यानी कि राजस्थान की जो गद्दी पर आसीन उस वक्त के राजा थे या पूरे देश के भी जो राजा थे, वो अंग्रेजों के चंगुल में जाल के तहत फंस चुके थे। वास्तव में अंग्रेज उन राजाओं की सुरक्षा और विकास के नाम पर कृषि भूमियों पर लगातार कब्जा करते जा रहे थे और ऐसा करने के लिए उनके पास बहुत ही आसान तरीका था, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में पिंडारियों के हमले अक्सर सामंतवादियों के साथ मिलकर राजाओं पर होते रहते थे। और ये जो हमला होता था वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में ही होता था, लेकिन वो हमला एक्चुअली राजाओं के किलों पर होते रहते थे। ऐसे में अंग्रेज शासक उनको सुरक्षा, मतलब राजाओं की सुरक्षा को बताकर कुछ पैसे का खर्च करते थे और वहां पर उस राज्य के डेवलपमेंट के नाम पर, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट करना है, इन सब और ये सारे डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही थी और जो पैसा लग रहा था वो भारत सरकार, यानी कि उस समय जो भी उस राज्य का राजा होता था उसके कोष से लिया जाता था। जैसे रेलगाड़ी का डेवलपमेंट करना है, आपकी सुरक्षा देनी है, आपके राज्य को विस्तृत करना है, इन सब के नाम पर राजाओं को बरगलाया जाता था और ब्रिटिश शासक अपने चाल में उन राजाओं को फंसा लेते थे। 1822 में ही खिराज परंपरा का शुरुआत हो चुका था। खिराज परंपरा भी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखती है। ऐसे में राजपूतों के जो या राज्य के जो शासक थे, उन्होंने अपने ही लोगों को प्रताड़ित करना या फिर सामाजिक रूप से हनन करना प्रारंभ कर दिया था। सरगरा जाति भी उससे अछूती नहीं रही है। 1857 की क्रांति के आने से पहले यहाँ पर पूरे देश में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाने की बात को पूरी तरह से प्रचारित किया जा रहा था, जो ब्रिटिश शासक गोलियों के कवर पर उस समय यहाँ के भारतीयों को जो गोलियां देते थे इस्तेमाल करने के लिए, उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगा दी जाती थी और इस बात का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो चुका था और क्रांति की ज्वाला भी धू धू कर धधक रही थी। ऐसे समय में, उस समय अगर आप देखें तो पूरे भारतीय बाजार में ब्रिटेन में निर्मित सामानों का कब्जा हो चुका था। यहाँ का कच्चा माल, यानी कि अनाज, तेल, जो खाने का तेल है, गेहूं, चावल, सब्जियां, सब लाद कर ट्रेनों के माध्यम से विदेशों में भेजे जा रहे थे और वहां से बनने वाले पंखे, साइकिल, रेडियो, ये सब भारत के बाजार में पूरी तरह से पाटे जा चुके थे ताकि भारतीयों को उनको व्यवसाय के नाम पर अच्छे से लूटा जा सके। ये उस वक्त की टाइम है, उस वक्त का समय है जब सरगरा समाज का पतन होना शुरू हो चुका, क्योंकि उन्होंने उस वक्त राजाओं को, सरगरा समाज ने ब्रिटिश से दूर रहने की बहुत ही अच्छी एक सुझाव प्रस्तुत किया था। लेकिन क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका जीवन सैर सपाटों में, विदेश भ्रमण में और ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोग करने में ही बीत रहा था, ऐसे में सरगरा समाज अपने राज वंशी से थोड़ा नाखुश हो चुके थे। उस वक्त ही सरगरा समाज का पतन प्रारंभ हो चुका था, ऐसा आपको अभिलेखों में मिलेगा। 1822 से 1857 की क्रांति तक राजाओं और सरगरा समाज के रिश्ते बहुत ही कड़वे हो चुके थे। अगर आप
इतिहास में खंगालेंगे तो वैसे राजस्थान का जो इतिहास रहा है वो बहादुरी से भरा पड़ा रहा है, लेकिन सन 1800 के लगते लगते ब्रिटिश चाल में यहाँ के राजा और शासक फंस चुके थे। ये ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसानों से उनके भूमि का अधिग्रहण सरकार के नाम पे लिया जा रहा था, यानी कि किसानों को वहां से बेदखल किया जा रहा था। लेकिन ये सरगरा समाज उस समय अपने राजा से ऐसा ना करने के लिए बार बार गुजारिश कर रहा था, और इसी बात से खिन्न होकर उस समय राजाओं ने सरगरा समाज का सामाजिक पतन करना शुरू कर दिया था। तो ये काफी रिसर्च के बाद ये चर्चा में लेकर आया हूँ सरगरा समाज के ऊपर, और इसके आगे के और तथ्य और प्रमाण मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसमें आपको समझाने को अवश्य मिल गया होगा कि राजस्थान में सरगरा समाज का पतन और राजस्थान और राजाओं के बीच में, राजस्थान के राजाओं और सरगरा समाज के बीच की जो खाई है उसकी शुरुआत किस सन में हुई। तो दोस्तों 1822 वो सन था। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।